सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल होस्ट चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियो रोजाना देखने के लिए। हाय माई सेल्फ विनोद, हाँ आपने सही सुना है, मेरा नाम है विनोद और आप सही जगह पे आए हैं और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाला है। वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। टेक्नोस नंबर 45 में आप सबका स्वागत है और देश का बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोस लेके आए हूँ। तो शुरू करते बिना किसी देर के। और दोस्तों आज बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज़ कनेक्ट किए हैं। और दोस्तों कल मैं वीडियो बनाया था बट उसमें साउंड नहीं आया था और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाए, सो सॉरी। और शुरू करते हैं बिना किसी देर के दोस्तों। और आज का टॉपिक जो पहली है रेडमी के बारे में, रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में, जिसमें न्यू कलर वेरिएंट में आ रहा है। और दोस्तों इसके कलर है कोरल रेंज कलर में आ रहा है दोस्तों। और मैं भाई इस बात समझ में नहीं आ रहा है, डब्बा के अंदर कुछ नहीं चेंज किया, कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं चेंज हुआ, सो ओनली फॉर कलर चेंज करेगा और उसको फिर मतलब खरीदने के लिए आदमी आ जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा है दोस्तों इसका ऐसा बेबू कौन है। मैं तो इंडिया में 90% पीपल ऐसा है स्मार्टफोन के पीछे कवर लगा के घूमता है, जैसे कि गिर जाएगा फूट जाएगा वैसे बात है। और दोस्तों ऐसा नहीं होता। और कलर ओनली फॉर कलर के थ्रू में आप खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे realme RMX न्यू स्मार्टफोन के बारे में, लीगेस्ट 5G स्मार्टफोन आ रहा है और दोस्तों ये बहुत जल्दी आने वाला है realme का। और यहाँ पे बता रहा है कि 6.5 इंच का HD डिस्प्ले रहने वाला है, ड्रॉप नॉच IPS LCD डिस्प्ले रहने वाला है जिसमें। और दोस्तों यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 720 सपोर्ट रहने वाला है। और यहाँ पे जो पीछे क्वाड कैमरा है दोस्तों देखने में काफ़ी हद तक गूगल पिक्सल 4 की तरह है, 4A की तरह है। और दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि भाई 13 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल रहने वाला है, 5000mAh का बैटरी सपोर्ट एंड 10 एंड्रॉइड सपोर्ट के साथ यहाँ पे आ रहा है। और दोस्तों इस वेरिएंट में अभी तक लीकेज तो नहीं आया, यहाँ पे बता रहा है कि भाई कुछ हद तक 15,000 के आसपास रहने वाला है ये स्मार्टफोन। और आपके राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्मार्टफोन आएगा तो आप खरीदना चाहते हो नहीं चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे एयरटेल के बारे में, एयरटेल अल्ट्रा फास्ट 4G सपोर्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया, यहाँ पे इंडिया में नहीं भाई अंडमान निकोबार में यहाँ पे लॉन्च होगा। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 4G नॉर्मल 4G जैसा होता है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड दे रहा है, और जैसे 5G जैसे नेटवर्क होता है काफ़ी हद तक बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है। और ये बता रहे हैं कि भाई अल्ट्रा फास्ट 4G काफ़ी हद तक सही है, मतलब 5G की तरह ही काम करेगा बहुत ज़्यादा स्पीड में। और मैं भाई बता रहा हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है कंपनी एयरटेल ने। और ये इंडिया में लॉन्च कब करेगा हम लोगों को कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे ऐसे काम करेगा बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करेगा 5G के, तो भाई 5G आएगा बट 5G का उतना डिमांड नहीं रहेगा, इसका आ जाएगा तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगा उसी टाइम। तो इसके बारे में आपका कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे फेसबुक की तरफ से दोस्तों, फेसबुक बता रहा है कि भाई ये न्यू एक टीम क्रिएट किया है, ये ओनली फॉर फेसबुक पे के ऊपर काम करेगा, जैसे कि गूगल पे होता है फोन पे होता है वैसे फेसबुक पे लेके आ रहे हैं। भाई जब से जियो के साथ कोलाब किया है इस फेसबुक ने, तब से ए नहीं ओ नहीं बहुत ज़्यादा कुछ लेके आ रहा है इस कंपनी ने। और यहाँ पे बता रहे कि भाई फेसबुक पे यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी लेके आएगा। और इसके बारे में आपका कह रहा है आप एक फेसबुक पे आएगा तो आप इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे, जैसे नॉर्मली मनी ट्रांजेक्शन होता वैसे ट्रांजेक्शन होगा। और दोस्तों आप इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे ट्विटर की तरफ से दोस्तों, ट्विटर यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये टिकटॉक को हायर करना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट अगर नहीं हायर करेगा टिकटॉक को, ट्विटर यहाँ पे टिकटॉक को हायर करेगा। ट्विटर बता रहा है कि भाई ये टिकटॉक के साथ कोलैब करके इसमें बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट वीडियो होता है ट्विटर के काम आएगा बाद में, तो ये हायर करना चाहता है। मैं भाई बता रहा हूँ तो भाई US में जो हो रहा है होने दो, इंडिया में सो बैंड हो गया और इसको हटाओ, सीधी सी बात है। और यहाँ पे बता रहे कि भाई ए ओ कोई मतलब ए लेगा ओ लेगा ऐसे बात चल रहा है, भाई इसमें क्या ऐसा है, मुजरा वाला ही तो है तो खैर इसमें विनोद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से दोस्तों, व्हाट्सएप यहाँ पे बता रहा है कि मल्टीपल डिवाइस में आप यूज कर सकते हो व्हाट्सएप एक ही नंबर पे ओनली फॉर OTP से। OTP अगर आप एक ही स्मार्टफोन में आप एक ही व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, बट बता रहे कि भाई बहुत जल्दी न्यू अपडेट आने वाला है, जैसे कि आप एक स्मार्टफोन में व्हाट्सएप यूज कर रहे हो दूसरे स्मार्टफोन में उसी नंबर पे व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हो। और चैट D2 to D2 सेम दिखाएगा, एंड्रॉइड से लेके आईफोन से लेके कुछ iOS से स्मार्टफोन में कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेम टू सेम आपको दिखाएगा जो चैट है कुछ भी सेम टू सेम दिखाएगा, सिर्फ ओनली फॉर OTP जो आएगा OTP उस स्मार्टफोन में देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, एक ही स्मार्टफोन से तो काम हो रहा है बट मल्टीपल में न्यू क्रिएट करना मतलब काम इतना कुछ नहीं है ना भाई,
कुछ कम नहीं है, बट ऐसे इसी को ही भाई न्यू मॉडल में लेके आ रहा है, तो ऐसा आएगा तो बहुत अच्छा होगा, बट इसके बारे में आपको कह रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट था यहाँ पे IQOO की तरफ से, दोस्तों IQOO बता रहे कि भाई न्यू IQOObook लेके आ रहा है, जैसे कि EMI ने न्यू लैपटॉप लेके आया था, EMI बुक लेके आया था, यहाँ पे बता रहे हैं IQOO बता रहे कि भाई IQOObook लेके आ रहे हैं। दोस्तों सीधी से बात है, एक रास्ता एक आदमी बनाएगा, उसके पीछे सब चलते बनेगा। दोस्तों ये बता रहा है कि भाई दूसरे कंपनी, ये मेरे ओपिनियन से दूसरे कंपनी एक चीज़ बता रहे, ये दूसरे और दूसरे कंपनी जो नहीं बनाए वो बता रहे कि भाई हम क्यों नहीं जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंंगे। भाई मैं सीधी से बात बता रहा हूँ कि भाई कम प्राइस में बहुत ही बड़े स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च करो, जैसे कि सब आदमी IQOObook इस्तेमाल कर पाए, जैसे और भाई बहुत ही बढ़िया किस्म की तरह। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे EMI की तरफ से, EMI फाइनली यहाँ पे बता रहा है कि भाई MIUI का जो 12 वर्सन है, MIUI 12 जो है बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। EMI फैंस की तरफ से ये बता रहा है कि भाई बहुत बढ़िया एक अपडेट है और बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है, कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाला है, ये ऑफिशियली है, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, जब भी आएगा पूरा डिटेल्स आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, और इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों बस वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ऐसे न्यू अपडेट आप रोजाना देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सुस्त रहिए, ध्यान से रहिए, बाय बाय दोस्तों।